अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद रजा और खुश आमदीद हमेशा की तरह। तो जनाब जुनैद रजा साहब, आज आप हमें क्या दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? अमेजिंग फैक्ट अबाउट बिहार इन हिंदी। अच्छा जनाब, तो बिहार के बारे में मालूमात आपको भी थोड़ी कम है, मुझे भी कम है, सोचा वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें हम बिहार देखने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मुझे राकेश प्रेम कुमार बिहार सिंह जैसे कई लोगों ने इंडिया के बिहार के बारे में वीडियो लाने को कहा था, इसीलिए आज मैं आपसे बिहार के बारे में एक बात करने वाला हूँ। बिहार उत्तर पूर्वी भारत का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में फैला 13वां बड़ा राज्य है। बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड वेस्ट बंगाल के साथ नेशनल बॉर्डर जबकि नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इसकी आबादी 10,41,00,000 से ज्यादा है, जिनमें से 82.7% लोग हिंदू, 17% लोग मुस्लिम और 0.2% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिहार से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ अमेजिंग कुछ है। बिहार शब्द संस्कृत के शब्द बिहार से लिया गया है, जिसका मतलब होता है निवास। इसमें आमतौर पर वो क्षेत्र शामिल किया गया था जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। दुनिया के बड़े धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के लिए बिहार इंपॉर्टेंट जगह रहा है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से 96 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया नाम की जगह में महाबोधि पेड़ के नीचे मेडिटेशन करते वक्त गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार के बोध गया में मौजूद महाबोधि टेम्पल बौद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। इसके अलावा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार की राजधानी पटना में हुआ था और सिखों के लिए पवित्र जगह हरमिंदर तख्त भी यही है। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बिहार 3 अलग-अलग रीजन्स को मिलाकर बना हुआ है। ये रीजन्स है मगध, मिथिला और भोजपुर। तीनों का अपना अलग ही कल्चर और हिस्ट्री है। इंडिया के बड़े एम्पायर में से एक मौर्य एम्पायर और गुप्त एम्पायर का सेक्टर मगध रहा है। इस एम्पायर के अंदर इंडिया का ज्यादातर एरिया आता था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। इस साम्राज्य के अंदर गुजरात, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग आता था। बिहार की इंपॉर्टेंस मिडिल एज में एक बार फिर बहुत बढ़ गई थी, जब बिहार के सासाराम में पैदा हुए शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हरा कर मुगल सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, इंडिया के सभी 29 राज्यों में 63.82% की लिटरेसी रेट के साथ भले ही बिहार सबसे नीचे क्यों ना हो, फिर भी बिहार से सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर बनते केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों को एक साथ मिलाने के बाद भी बिहार इनसे ज्यादा IAS ऑफिसर पैदा करता है। दोस्तों, प्राचीन भारत की बहुत ही फेमस और पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी, जो 5वीं सदी में बनाई गई थी और यहाँ दुनिया भर से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। इस वक्त ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन पटना में है, जो 20 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार के कुछ फेमस इंसानों की। इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, हिंदी के बहुत बड़े पोएट जिन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता था, यानी रामधारी सिंह दिनकर, भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार से। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा बिहार से ही है और वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का जन्म भी जमशेदपुर बिहार में हुआ था, हालांकि अब ये एरिया झारखंड में आता है। अगर बात की जाए फेमस फूड की तो लिट्टी चोखा बिहार का बहुत ही फेमस फूड है। तो दोस्तों, ये थे बिहार के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है इनके लिए भी और हमारे लिए भी भाई। तो हाँ, बिहार अटल, मैं आपकी बात कर अटल बिहारी वाजपेयी का इधर बिहार से कोई नहीं था। नहीं, अभी तो पता, उन्होंने जो बड़े बड़े उसको बताया, जो मैं समझता था कि उनका ताल्लुक नहीं, वो तो उनका वैसे ही उनका नाम था ना अटल बिहारी वाजपेयी। तो बिहार तो एक उनका अलग वो स्टेट है, मुझे ऐसा लगता था कि उनका ताल्लुक।
मुझे ऐसा लगता है अच्छा अच्छा वो रिजवान भाई ने मुझे बोला है कि उनका ताल्लुक बिहार से ही है, तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में उनको कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आपको बता बाहर इस पे बड़े नाम से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के प्रेजेंट जो थे राजेंद्र साहब उनका बड़ा उसमें आया उसके अंदर तो बिहार जब ये वीडियो बहुत छोटी थी और इतना बड़ा बिहार था और बड़ा खूबसूरत दिखाया बताया उसके अंदर और दस फुट गया और सबसे बड़ा बताया कि जो उन्होंने जो बताया कि जो 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 जिनके इतने सारे स्टेट से जो पढ़ के जो आ गए थे उसमें आई टी के कौन सा था वो कौन से डिपार्टमेंट से थे जो सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला शहर है ये ना, तो बहुत बड़ी बात है ये उसके अंदर वहाँ पे हाँ IAS ऑफिस हाँ तो बहुत जबरदस्त क्या कहते शानदार भाई वो चार स्टेट नहीं निकल पा रही इतने में मतलब ये अकेला निकल बिहार निकल तो ये खुशहाली बात है वहाँ की। अच्छा मस्जिद ये तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो एक एक, एक हिस्सा भी नहीं दिखाया या बताया इसके मुताबिक इनके पास जो भाई ने जो मालूम है ना वो तो शेयर किया हमारे साथ वो फुटेज थोड़ी कम थी और तस्वीरें भी कम थी वो तो हमें समझ में आ रहा है लेकिन जितना बड़ा ये बिहार है उसकी फुटेज और अच्छी हो सकती है क्योंकि हमें ये मिली और हमें मालूमात तो चाहिए थी बिहार की तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर रिएक्ट करें। कोई अगर आपको आपको लगता है कि बिहार की कोई इससे बहुत बेहतर कोई वीडियो है तो वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा, फेसबुक का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी नेक्स्ट टाइम पे वो कर लेंगे रिएक्ट करेंगे। भाई इतनी भी मालूम मिली ये भी हमारे लिए बड़ी नॉलेजेबल थी कि अच्छा किस एरिया में रहता है किस एरिया में है सारा कौन से लगते हैं और ये भी सारा हमें मालूम चला कि इसे पहले वकू किया है वहाँ का सारा मेहनत की भी है अच्छी उसके अंदर बिहार के नाम किस तरह निकला वो सारा उन्होंने डिटेल बताई उसके अंदर तो बड़ी सुकून से मस्जिद उसे देखने वाली वीडियो है देख सकते हैं इसको उसके अंदर और मजीद इससे अच्छी भी और वीडियो भी यकीनन होंगी जो हमारी नोटिस पे नहीं है आप हमें बताएंगे तो इंशाल्लाह हम उस पर जरूर काम करेंगे। तो बाहर बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान क्योंकि ये भी एक ये हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है ना उसमें से एक फूल ये भी था जो कि बिहार की खूबसूरत के अंदर था। हमने वक्तन फवक्तन दूसरे स्टेट्स पर भी हमने काम किया है हमने इसके जो आपकी प्रमोशन वीडियोज की उसकी जो क्या कहते हैं टूरिज्म एड जो हमने किया था उसमें हमें बहुत सी मालूमात मिली है उसके अंदर तो ये भी इसी का इसी टाइप का हिस्सा था टूरिज्म टाइप का इसके अंदर तो हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तरह हमें आप मज़ीद बताते जाएंगे और अच्छी वीडियोस के मुताबिक तो वो भी हम देखेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमें दुआ में बिहार का भी वीज़ा मिले बिहार भी आके हम आपका ये बिहार भी देखें। अच्छा मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता कि शायद मैं गलत हूँ कि बिहार के जो लालू प्रसाद यादव शायद आई थिंक वहीं की जो आजकल के ख्याल जेल में सजा काट रहे हैं मैं हो सकता हमारे पाकिस्तान बड़े मशहूर हैं लालू प्रसाद साहब जो उनकी लैंग्वेज थी जो बोलने का स्टाइल था उनके कानों के जो बाल थे बड़े बड़े ना तो बड़े बाल उनके कानों अरे हम कह रहे हैं ऐसे टाइप की बड़ी मशहूर थी तो बड़ी अच्छा आम जबान यूज करते थे वो और आपके हिंदुस्तान की रेलवे को बड़ा दाम दिया उन्होंने उनके उनके टाइम में जब मेघा में वाजपेयी के दौर में या पता नहीं कांग्रेस के दौर में वो उनके मिनिस्टर थे वहाँ के रेलवे के तो उन्होंने बहुत बड़ा कैपिटल रेलवे के लिए काम किया। फिर उनकी बेगम आई राबड़ी देवी जी और उन बेचारों को चारा घोटाला स्कैंडल में जो उनको सजा हो गई मेरे ख्याल में आजकल कर रहे हैं। बाकी हमारे पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है वो शख्सियत जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में शेख रशीद साहब बहुत मशहूर है ना बोलने के हिसाब से तो लालू प्रसाद साहब को हम बड़ा मिस करते हैं और खैर ये आपका इंटरनल मामला है कि क्या है क्या नहीं है वहाँ पे उसमें जो सजा का उसका वहाँ आप सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों का तो बाहर हमें बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके और आपकी ये वीडियोस देखकर और हम आइंदा देखते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बल्कि अभी और इसी वक्त हमारे वो एक बात और वो शाकिर भाई का भी एक नया चैनल है डिस्क्रिप्शन के अंदर तो वो भी ज़रूर लाइक करिएगा। वो शाकिर भाई की जो जो व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो यहाँ ख़वातीन उन्होंने बोला कि हमें अलग से आपके लिए आपका टाइम चाहिए तो इसलिए वो चैनल खोला गया बताएं ना। तो हाँ जनाब हमारा चैनल का नाम है सलाम नमस्ते जो हमने से पहले मैंने बताया भी था कि सलाम हमारे पाकिस्तान का क्योंकि हम किसी से जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम तो हम सलाम कहते हैं इसी तरह कहते हैं हिंदुस्तान में भी सब होता होगा कि वो लोग फर्स्ट टाइम किसी मिलते होंगे नमस्ते कहते होंगे तो हमने सलाम नमस्ते के नाम से अपना चैनल खोला है और मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन का और आपके व्यूज़ का लाइक का बहुत सा इंतज़ार रहेगा बल्कि और बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है और आपकी मेहरबानी शुक्रिया आपका कि आप इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं हमें मगर मैं चाहता हूँ कि मजीद और आप उसको अच्छा करें दोस्तों के साथ शेयर करें उसको आगे पहुँचाएं जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसके अंदर शेयर करें जो भी हो सके जिस तरह भी हो सके आप सपोर्ट करें सारे चैनल को और दूसरों को भी सपोर्ट करें क्योंकि जब आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे और लोग आपको सपोर्ट करेंगे यही इसी तरह चलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।